हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको Realme 2 का रिव्यू करके बताऊंगा। आपको तो मालूम ही होगा Realme 2 दो साल पहले लॉन्च हुआ था 2018 में। अब दो साल पुराने इस फ़ोन को मैं रिव्यू करना क्यों चाहता हूँ, इसके पीछे भी एक वजह है। वो क्या है, ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था तब सभी यूट्यूबर ने इसके फ़ोन के बारे में बहुत ही भला बुरा कहता था। सभी यूट्यूबर ने बताया था ये फ़ोन एकदम घटिया है, बकवास है, इस फ़ोन को मत लीजिए, इसमें फ़ोन का प्रोसेसर एकदम घटिया है, फ़ोन मत लीजिए। लेकिन मुझे ये फ़ोन दो साल से यूज़ कर रहा हूँ, मैं इस फ़ोन को दो साल से यूज़ कर रहा हूँ, अभी भी इस फ़ोन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, लैग से लेके कुछ भी। इस फ़ोन में मालूम ही तो होगा आपको क्या क्या है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले, फुल एच 6.2 इंच फुल एच डी डिस्प्ले, बैटरी है 4230 एमएच का बैटरी, इसका प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 450, पीछे है 13+2 MP का रियर कैमरा और सामने है 8 MP का फ्रंट कैमरा। और क्या, बस इतना ही। इसका कैमरा तो बहुत बढ़िया है, आप देख सकते सैंपल कैमरा कितना ही फोटो अच्छा आया है। ये बात नहीं है, इस Realme 2 फ़ोन में स्नैपड्रैगन 450 के साथ मैं कुछ गेमिंग नहीं करता, मैं बहुत सारे इसमें गेम खेलता हूँ जो आप हैरान हो जाएंगे मैं कितना गेम खेलता हूँ। यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कुछ ऑफलाइन गेम हैं मेरे पास। क्या है, मैं जब घर में रहता हूँ वहाँ पर नेटवर्क बहुत कम आता है, इसलिए ऑनलाइन गेम वहाँ पर खेला नहीं जा सकता है, इसलिए मैं बहुत सारे ऑफलाइन गेम खेलता हूँ, घर में वो एंजॉय करता हूँ। देखिए ये सारे गेम है उसके पास, देखिए पबजी लाइट से लेके फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी सारे गेम मैं खेलता हूँ इस पर। ये सारे गेम खेलने के अलावा भी कुछ भी लैग नहीं आता, यही मुझे खास बात लगता है। लेकिन ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था तब सभी यूट्यूबर ने कहता था ये फ़ोन मत लो, आप कुछ भी गेम नहीं खेल सकते, पबजी नहीं खेल सकते थे, वो नहीं खेल सकते थे। लेकिन मैं जब दो साल से यूज़ कर रहा हूँ, मैं अभी आपको बताऊंगा ये फ़ोन बहुत बढ़िया है। ये सभी कुछ भी एडिटिंग का कमाल नहीं है, सब असली है, असली में पबजी है, असली में पबजी लाइट है, फ्री फायर है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, सब असली है, कुछ भी एडिटिंग का कमाल नहीं है। अब देख लीजिए इसका कैमरा कितना अच्छा है, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, अब वीडियो रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा होता है। इस फ़ोन में आपका फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों भी मिलता है। देखिए फिंगरप्रिंट तो बहुत तेज़ी से काम करता है, देखिए, और फेस अनलॉक की तो पूछो ही मत, फेस अनलॉक तो बहुत तेज़ी से काम करता है, देखिए। आप कुछ भी लॉक स्क्रीन देख नहीं सकते, इतना तेज काम कर सकता है। दो साल हो गया, उसके अलावा भी फ़ोन में कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ इशू नहीं है। अब सेटिंग में जाएंगे तो देखिए सिक्योरिटी पैच, देखिए अबाउट फ़ोन पे जाएंगे, देखिए Realme 2 इस फ़ोन का मॉडल है, डिवाइस का नेम है, एंड्रॉयड वर्सन 9 है। लेकिन ये फ़ोन जब मैंने ख़रीदा था एंड्रॉयड वर्सन 9 नहीं था, तब था क्या ऑडियो था 8.1, अभी अपडेट के बाद 9 हो गया है। देखिए प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 450, रैम है 4 GB, स्टोरेज है 64 GB, और यहाँ पर आपको हर महीने सिक्योरिटी अपडेट मिलता रहता है। देखिए सिक्योरिटी पैच लेवल है 5 जुलाई 2020, हाँ थोड़ा एक महीने पुराना जरूर हो गया, लेकिन अपडेट देता है कि एक महीने बाद, लेकिन अपडेट इसमें ज़रूर मिलता है। इसका फ़ोन में यही बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ़ोन पुराना हो गया तो क्या हुआ, फ़ोन का अपडेट तो अभी भी नया है। देखिए जैसे सब फ़ोन में एक अच्छा ही बात होता है ना, सभी फ़ोन अच्छा है, गेम खेल सकते हैं, कैमरा अच्छा है, लेकिन उसमें एक बुराई भी है। इसमें भी जो दो साल यूज़ करने के बाद मुझे अब जो प्रॉब्लम हो रहा है, इसका बैटरी को लेके, इसका बैटरी क्या बहुत जल्दी चार्ज ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप ये मत समझना इसका बैटरी बहुत ख़राब है, इसका बैटरी बहुत बढ़िया था जब मैंने फ़ोन खरीदा था,
फ़ोन का बैटरी है 4230 mAh। अभी मान लीजिए आप, मैं पबजी खेल रहा था, पबजी मान लीजिए आप, मैं इसमें पबजी खेलूँगा, फुल चार्ज में पबजी लगभग 4 से 4.5 घंटे तो आराम से खेला जा सकता है। उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा जब आप नया में चाहते हैं तो। अब जब नया फ़ोन लेते हैं तो उसमें क्या आपको उसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा देता है, लेकिन फ़ोन जब धीरे धीरे पुराना हो जाता है तभी बैटरी के ऊपर कुछ डिफेक्ट आ तो बैटरी के ऊपर कुछ डिफेक्ट आ जाता है, इसलिए बैटरी कमज़ोर हो जाता है, इसलिए बैटरी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। आपको मैंने बता दिया फ़ोन कैसा है, 2 साल के बाद रिव्यू कर रहा हूँ फ़ोन, इसमें क्या खास बात है क्या नहीं है, ये भी आप चाहे तो अभी भी फ़ोन ले सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ये फ़ोन को आप ऑनलाइन मार्केट में आप ख़रीदा सकते हैं। लेकिन क्यों, अभी ऑनलाइन में रियलमी के बहुत सारे प्रोडक्ट आ गया, तो ये 2 साल का पुराना फ़ोन आप कोई नहीं लेना चाहेगा, इसलिए आप फ़ोन ऑनलाइन में आपको इस फ़ोन नहीं मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन में कुछ कुछ स्टोर में आपको मिल जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर कभी दूसरे वीडियो।